माह मार्च अप्रैल और मई 2020 का इकट्ठा राशन बंटना है तीनों माह। इसमें चावल, गेहूं, नमक एक रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा। शक्कर एवं मिट्टी तेल विक्रेता हर माह भी दे सकता है या इकट्ठा भी दे सकता है, जैसा उसके पास स्टॉक है। इसकी कितनी मात्रा मिलेगी? प्रति व्यक्ति 5 किलो मिलना है, 4 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल 1 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगा। और यदि अति गरीब का कार्ड है, मतलब AAY कार्ड धारी है, पीगा परमिट आया है, तो एक कार्ड पे 35 किलो राशन की पात्रता। ऐसे कोई मामले आए हैं सामने जो राशन नहीं मिला हो? हाँ, ऐसे कुछ मामले आए थे, जैसे कल सर के द्वारा बताया गया और मुझे भी जानकारी मिली कि रामखेड़ी में 2 माह का बट रहा है। फिर मैंने वहाँ पता किया, विक्रेता से संपर्क किया, जाके पता किया, तो मार्च माह का होने के पहले ही बट चुका था और अप्रैल एवं मई का वो अभी बांट रहा था। तो इस तरीके से सभी दुकानों में 3 माह का बट रहा है, इसकी मैं सिर्फ निगरानी कर रही हूँ। यदि ऐसा कोई मामला आता है तो इसमें कौन सी कार्रवाई? यदि ऐसा कोई मामला आएगा, सबसे पहले तो मैं देखूंगी कि क्या संपर्क करने का प्रयास करूँ, और यदि कुछ ऐसा पाया जाता है कि उसने नहीं बांटा है या उसका काला बाजार है, तो उसका सख्त कार्रवाई होगी। सोशल डिस्टेंस के लिए किस प्रकार से? डिस्टेंसिंग के लिए लगातार क्या है कि दुकानों के सामने भी सूचना पटल लगवाए गए हैं, लोगों को अवेयरनेस करने के लिए। साथ में ही गोले बनवाए जा रहे हैं 1-1 मीटर की दूरी पर, ताकि उन गोलों पर खड़े होकर ही व्यक्ति ले राशन। और ये भी कहा जा रहा है कि मास्क पहने, विक्रेता मास्क और ग्लव्स पहने, और जो भी हितग्राही लेने आएगा उसके भी मुंह पे कपड़ा या ग्लव्स होना चाहिए, ताकि कोरोना जैसी महामारी से हम संक्रमित होने से बच सकें। थैंक यू।